लेकिन आपको जानकर दुख होगा, नवीन बाबू बीजू जनता दल की सरकार 60 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं। आप बताइए, यहां से लोगों का बाहर जाना बंद हो गया क्या? क्या बोलते हैं उसको, दादन खटना बंद हो गया क्या? दादन खटना बंद हो गया क्या? अगर हमारा भाई उड़ीसा का मुंबई में जाके काम करता हो और वो वहां बीमार हो जाए तो उसका इलाज नवीन बाबू नहीं करा पाएंगे, उसका इलाज करा पाएंगे तो नरेंद्र मोदी ही आयुष्मान भारत से करा पाएंगे। जो लोग आपको इस हक से वंचित रहने देते हैं उनको सरकार में रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं पीछे से, रहने देना है क्या? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देश में, दुनिया में गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित, गांव का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान युवा, सबके लिए काम चल रहा है। और अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है विकास की, अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है आगे बढ़ने की, तो फिर उड़ीसा उससे पीछे क्यों रहे? बताइए, आगे पीछे रहेगा क्या? रहेगा क्या? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 13 दलित मंत्री थे क्या? कभी थे? नहीं, 13 आदिवासी मंत्री थे क्या? 8 दलित मंत्री थे क्या? कभी 28 के आसपास ओबीसी मंत्री थे क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। कभी आपके यहां कोई गवर्नर जैसे विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे दलित गवर्नर, हमारे दलित मुख्यमंत्री, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, ये कभी संभव हुआ था क्या? ये संभव हुआ था क्या? आज मोदी जी की सरकार में हमारे दलित गवर्नर भी हैं, दलित पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और इसके साथ साथ हमारी ओबीसी की बड़ी संख्या है जो हमारे गवर्नर और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मित्रों, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, आप बताइए, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को ताकत दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, शौचालय बनाया। कैसा भारत होगा जहां 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेत में जाया करती थी, उनको अगर इज्जत देने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में घर में पानी पहुंचाने का काम, हर घर जल हर घर नल, कभी सोचा था क्या? लोग मोहल्ले के एक जगह इकट्ठे होकर के पानी लिया करते थे, आज घर घर जल बन रहा है। 3,323 करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ जल जीवन मिशन में, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।